नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल की ज्योति रात्रे ने 54 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने एवरेस्ट पे पहुंचकर ये मुकाम हासिल किया है, जिसके कारण अब वह पर्वतारोही के नाम से अपनी पहचान बना चुकी है। ज्योति रात्रे 31 मार्च 2023 को माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए भोपाल से काठमांडू के लिए रवाना हुई थी। 58 दिन की यात्रा के बाद भोपाल लौटी। ज्योति रात्रे ने बताया कि अभी तक उसने अधिक उम्र की कोई महिला इस ऊंची चढ़ाई को तय नहीं कर पाई है। ज्योति रात्रे कई वर्षों से करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभरी है। ज्योति रात्रे ने 48 वर्ष की उम्र में पर्वतारोही की शुरुआत कर अल्प समय में ही अनेक सफलताएं प्राप्त की है और यह साबित कर दिया है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि किसी लक्ष्य को पाने की जिद हो तो कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे कोविड थोड़ा सा खुला अक्टूबर में, तो मैंने मनाली के देव टिब्बा जाने का सोचा। जो मनाली का देव टिब्बा है वो काफ़ी कठिन पहाड़ है, जिसमें कि आप अगर करते हैं तो आपको एक दिन पूरा रैपलिंग करना होता है। तो मेरा मानना था कि अगर मैं इसको करती हूँ तो मुझे एक रैपलिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, दूसरा मुझे आइस पे चलने की ट्रेनिंग मिलेगी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि बर्फ़ में जब जाते हैं तो कौन से जूते पहनते हैं और उसको चलते कैसे हैं। तो ये सब मैंने देव टिब्बा पे जाके सीखा और वो मेरी एक ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जुलाई में मैंने एल्ब्रुस गई, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। तो वहाँ मुझे माइनस टेम्परेचर में रहना और स्नो पर और आइस पर कैसे चलना है वो मेरे को एक ट्रेनिंग मिली। और काफ़ी माइनस टेम्परेचर था वहाँ पर भी, -20 और -22 के करीब टेम्परेचर में मैं रही हूँ। तो वो मैंने एल्ब्रुस से ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद मैंने किलिमंजारो किया 39 दिन बाद। तो वहाँ मुझे एंडोरेंस के लिए ट्रेनिंग थी कि मैं कितनी देर तक चल सकती हूँ और कैसे चल सकती हूँ, तो वो मेरी ट्रेनिंग हुई। इस तरह मैंने एक एक छोटे छोटे पहाड़ और उनसे अपनी ट्रेनिंग करती रही और धीरे धीरे करके अपने को ट्रेन करती रही। और 2023 ऐसा आया कि जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं फिट हूँ एवरेस्ट जाने के लिए, और मैंने एवरेस्ट की तरफ अपना रुख किया। और 31 मार्च को मैं भोपाल से एवरेस्ट के लिए निकल गई थी और वहाँ से मैं 29 मई को लौटी हूँ। तो ये मेरा करीब 58 दिन का सफ़र रहा है एवरेस्ट का। और एवरेस्ट जैसा कि नाम है उसका, उतना ही कठिन उतना ही मुश्किल है। और उसको मैंने काफ़ी सक्सेसफुली किया। मैं कैंप 4 तक पहुँच गई थी। कैंप 4 के बाद बस हमको समिट के लिए निकलना था और हम समिट के लिए निकल भी गए थे। समिट पे निकलने के करीब 2-3 घंटे के बाद में अचानक से बादल आए, पूरा वाइट आउट हो गया। वाइट आउट हुआ यानी आप 2 फीट आगे भी नहीं देख सकते हैं और स्नोफॉल शुरू हो गया। उसके साथ ही स्नोफॉल और वाइट आउट के साथ ही तेज़ हवा चालू हो गई और हवा के साथ में जो वहाँ पर आइस के टुकड़े थे वो साथ में चलने लग गए, जो कि एकदम पत्थरों की तरह आपको लगते हैं। और इन सब में इतनी हाहाकार मच गई, क्योंकि जो लोग ऊपर गए हुए थे वो सब नीचे की तरफ आने के लिए बोल रहे थे कि सब लोग नीचे चलो नीचे चलो। तो इस तरह का हाहाकार। और तभी थोड़ी देर बाद ही पता चला कि जो हमारे साथ के एक चाइनीज़ क्लाइंबर हैं जो हमारे ग्रुप के थे, उनकी डेथ हो गई है। मैं ज्योति रात्रे हाल ही में माउंट एवरेस्ट होकर आई हूँ और माउंट एवरेस्ट की मैंने 8200 मीटर तक हाइट की है। और वेदर ख़राब होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा और वापस आते हुए मैंने डेथ जोन पे 48 घंटे बिताए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक मलेशियन क्लाइंबर की जान बचाने के लिए अपना शेरपा दिया, अपनी लाइफ सेविंग दवाइयाँ उनको दी हैं। और माउंटेन पे जो है रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है और मैंने 55 दिन वहाँ पर बिताए हैं। और 55 दिनों में हर एक चीज़ के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठते से ही आपके ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक हर चीज़ में एक एडवेंचर रहता है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमको मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है। और जितना एवरेस्ट के लिए आपको शारीरिक रूप से आप तैयार होते हैं, उतना ही आपको मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं
अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं और आप शारीरिक रूप से तैयार हैं तो भी आप एवरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं मानसिक रूप से इतनी तैयार थी तभी मैंने ये डिसीज़न ले पाई हूँ, अदरवाइज़ ये डिसीज़न भी बहुत कठिन होता है। और ये सब करने के पीछे जो कि मैं 54 साल की उम्र में कर रही हूँ, एक संदेश है कि 50 के बाद जीवन ख़त्म नहीं होता है, 50 के बाद जीवन शुरू होता है। और हर एक महिला, हर एक पुरुष को ये चाहिए कि वो अपने सपने पूरे करे, और 50 के बाद तो वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका रहता है। तो हर व्यक्ति को आपको 50 की उम्र के बाद जो भी वो अपने पुराने सपने हैं वो पूरे कर सकता है। अगर इस उम्र में मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में सोचा और कर लिया तो कोई भी अपने सपने को पूरा कर सकता है, ये मेरा मानना है। पर्वतारोही ज्योति रात्रेय जी हैं जिन्होंने अनेक पर्वतों को छुआ है और अभी हाल ही में वे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली थीं कि एक वाइट आउट आया, एक बर्फ़ का एक झोंका आया, तूफान आया, तो उनको वो पूरी यात्रा को जो है बीच में ड्रॉप किया गया। तो उसकी जो रोमांचक कहानी है उसके बारे में बताएंगी। मैं एक छोटा सा ब्रीफ परिचय दे दूं, वैसे आप लोगों को प्रेस नोट के रूप में मिल जाएगा। ज्योति रात्रेय का जन्म 16 फरवरी 1969 को हुआ है। वे हरदा की रहने वाली हैं और उन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की है। वे 10 वर्ष तक सामान्य गृहिणी रहीं, उसके बाद में उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और एक एंटरप्रेन्योर बनी। इसके अलावा उन्होंने कई जो फंक्शंस हैं फैशन डिज़ाइनर्स के वो उसमें हिस्सा लिया, और माउंटेन में जाने का जो उनका सपना है वो बचपन से ही रहा है, प्रकृति के समीप रहने का। और 2017 में वे रोटरी क्लब में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में भी गई हैं, और इसके बाद में उन्होंने माउंटेन की तरफ रुख किया और पर्वतारोही के रूप में सबसे एक वेटरन पर्वतारोही के रूप में स्थापित हुई हैं। आज भी आपसे रूबरू हो रही हैं। मैं परिचय करा दूं कि ज्योति रात्रेय जी आप हैं। होने का सपना मेरा जब मैं 48 साल की थी तब पहली बार दिमाग में आया। ये बात है 2017 की, और 2017 में मैं एक छोटे से ट्रैक पे गई थी, और छोटे से ट्रैक पे जाने के बाद जब हम उस हाइट पे पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखा तो वह इतना चुंबकीय था कि मैं उसको भूल नहीं पाई। और तभी संगीता एस बहल जो हैं वो 52 वर्षीय महिला थी और उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, तभी मेरे मन में विचार आया कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हालांकि जब एवरेस्ट के लिए मेरे मन में विचार आया तो एवरेस्ट कोई सहज या सरल चीज़ नहीं थी। जितना कठिन एवरेस्ट है उतना ही कठिन उसकी तैयारियां हैं। पर मेरे मन में ये सपना आ गया था कि मुझे एवरेस्ट करना है, तो मैंने इसके लिए पता किया। और जब मैंने पता किया कि इंडिया में जो 5 संस्थान हैं क्या वो मुझे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो पता चला कि वहाँ सिर्फ 40 की उम्र तक ही ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सब पता करते हुए मैं 49 ईयर्स की हो गई थी। पर जब मुझे कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं मिली तो मैं मायूस नहीं हुई थी कि ट्रेनिंग नहीं मिली है तो मैंने अपने सपने को छोड़ दिया। मैंने अपने आप उसको शुरू किया। मैं कई लोगों से मिली, सर से मिली, और भी माउंटेनियर लोगों से मेरी बातचीत हुई। उन लोगों ने जिस तरह मुझे बताया कि क्या क्या करना होता है उस हिसाब से मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। और ट्रेनिंग के साथ में मैंने कुछ ऐसे ट्रैक और पर्वतों को चुना ताकि मुझे उनकी ट्रेनिंग भी मिलती चली जाए। तो 2018 में मैंने पिन पार्वती ट्रैक किया जो कि 100 किलोमीटर लंबा था और उसकी हाइट भी 5300 मीटर थी। और वो मैंने जब सक्सेसफुली कर लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं बिना फिजिकल फिटनेस के इसको कर सकती हूँ तो मैं अगर फिजिकल फिट हो जाऊँ तो मैं एवरेस्ट कर सकती हूँ। ये बताने के लिए जब भी सबको बताया है तो बहुत लोगों ने इसको मजाक में लिया कि एवरेस्ट बोलना, सोचना और करके दिखाना ये बहुत मुश्किल काम है। पर मैंने हार नहीं मानी,
और इस बीच कोविड आ गया। कोविड में मेरा अपना बिजनेस है, बिजनेस मेरा जो है वो बंद हो गया, तो उस कोविड को मैंने एक अवसर की तरह लिया और उस दौरान मैंने खबर समय जगत का संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.